सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम ध्रुव राठी की वीडियो एडिटिंग को ब्रेक डाउन करने वाले, देखेंगे हम उनके जैसे वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, सेम उनके जैसे इफेक्ट हम कैसे बना सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है यार, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके, तो मैं प्ले कर लेता हूँ इस वीडियो को, आज हम जिसका ब्रेकडाउन करने वाले हैं, और अपने हेडफोन को लगा लेता हूँ। मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था मैथीज और कुकीज के, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये एक ग्राफिक बन के आया, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो टेक्स्ट है ये फ्लिकर हुए, यानी कि पहले हल्के से ब्लिंक हुए, देन ये हमें शो हुए। ठीक है, मैं दोबारा से प्ले करता हूँ थोड़ा सा पीछे जाकर। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था मैथीज और कुकीज, देखो हुए थोड़े से फ्लेकर हुए, उसके बाद ये विजिबल हुए हमें, और यहाँ पे आपको इनकी 3D में भी दिख रहे हैं ये, और यहाँ पे रेड सा ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आप 3D टेक्स्ट की हेल्प से कर सकते हो। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, वो आपको मेरे अगर पुराने वीडियोस आप देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। शॉर्टली मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपको इस टाइप से कुछ क्रिएट करना है तो सिंपल आपको करना क्या है, अपना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करूंगा पहाड़ी एडिटर, ठीक है, और इसका जो कलर होगा इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर करना है कि एक्चुअल में पूरी प्रोसेस क्या है, तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, मैं इसे शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसका कंट्रोल अब मैं इस पे क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रिएट, और इसके ऊपर क्रिएट सेव फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने ये किया, इसको मैं नीचे ले आऊंगा, और जो पहाड़ी एडिटर मेरा ये फॉन्ट था इसको ऊपर आएगा, और जो ये आउटलाइन है यानी कि शेप लेयर है ये नीचे आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मेरा फॉन्ट है ऊपर वाला, ये आगे अगर आप देखोगे तो ये हाइड हो चुका है, ठीक है, आपको इसको अनहाइड अभी नहीं करना है, ठीक है। और नीचे वाले पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ऐड पे जाना है, ऐड पे यहाँ पे आप रिपीटर ऐड करोगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे रिपीटर ऐड किया तो आपको इसकी यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। अब मैं रिपीटर के अंदर जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ से ट्रांसफॉर्म के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे पोजीशन पे 1 कर देता हूँ, और जो सेकंड पोजीशन होगी उसको भी 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, ऑफसेट को 0 ही रहेगा। अगर आपका ये चेंज है तो पहले आप स्टार्टिंग में इसको 0 कर दीजिए, देन मैं यहाँ पे की फ्रेम ऑन करता हूँ, और कुछ फ्रेम आगे जाके इसको मैं लगभग 15 या 18 कर देता हूँ, 18 समथिंग, ठीक है। अब मैं ऊपर आया, और मैंने क्या किया कि ये जो पहाड़ी मेरे ऊपर वाली लाइन थी, मैंने बोला था ना कि आगे से हाइड होगा, इसको अनहाइड कर देना, ठीक है। अब जैसे मैंने ये किया तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं नीचे वाले पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से इसको चेंज करूंगा अगर मैं, और रेड कर दिया मैंने, और अगर आप अब देखोगे कि किस टाइप से बना, तो हमारे ये कुछ इस टाइप से हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा एक 3D टाइप में, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको इसमें ब्लर सा देखने को मिलेगा, और हल्का सा ब्लर, तो आप वो भी आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे कि ये फ्लिक नहीं हो रहा, फ्लिकर नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सिंपली आया, और यहाँ पे कोई एनिमेशन भी नहीं है। तो अगर आप, मैं वापस इसको ऑन कर लेता हूँ, और थोड़ा सा अगर नीचे जाता हूँ, ऑफसेट पे जाता हूँ, और यहाँ पे हमने जो की फ्रेम लगाई थी, ठीक है, फर्स्ट पे और ये, तो जितनी दूरी में उसको उसके बाद मैं इसको F9 करके एजीज कर दूंगा, और ये कुछ इस टाइप से होगा। इसको आप अपने हिसाब से एनिमेट कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे करके जाऊंगा और ऐसे करूंगा, तो ये इस टाइप का इफेक्ट हुआ, ठीक है। अभी देखो, अगर आपको फ्लिकर करना है तो सिंपल आपको करना क्या होगा, ये आपको दूसरा स्टेप होगा। अगर आपको फ्लिकर करना है तो मैं नीचे वाली लेयर को, जो हमारी ये रेड आ रही है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और अपनी टेक्स्ट ये वाली लेयर पे आता हूँ, और यहाँ पे टी प्रेस करता हूँ, टी से ओपेसिटी, ठीक है। और फर्स्ट फ्रेम पे आके मैं की लगा देता हूँ ओपेसिटी पर, इसको 0 कर देता हूँ, जूम इन करूंगा, और एक फ्रेम पे जाके इसको कर देता हूँ मैं 20, और फिर दो फ्रेम पे जाके वापस एक फ्रेम आगे बढ़ा 0, और फिर वापस एक फ्रेम आगे गया, इसको कर देता हूँ मैं 60, वापस एक और फ्रेम आगे बढ़ा, इसको कर देता हूँ मैं 5, उसके बाद वापस एक और फ्रेम आगे बढ़ा, इसको कर देता हूँ मैं 70, और वापस एक फ्रेम आगे गया और इसको कर देता हूँ मैं 100। रैंडमली मैंने नंबर यूज किया, F9 प्रेस करता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से फ्लिकर इफेक्ट हमारा हुआ तैयार, ठीक है ये। और उसके बाद अगर इसको मैं ऑन करूंगा नीचे वाले को, और उसके बाद यहाँ पे U प्रेस करूंगा, ठीक है, U,
और जो हमारा ये वाला ये यहाँ से तो मैंने ये कर दिया, बट यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड क्यों सो रहा है, अगर आपको अंदाजा होगा तो यहाँ पे रेड इसलिए सो रहा है क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट है ये स्टार्टिंग से है, तो इसको हमें कहाँ से विजिबल करना है, यहाँ से ये आए और इन दो की फ्रेम को आप पकड़ के आगे ले आओगे और कुछ इतना सा। एक बार आप प्ले करते हैं ये, ठीक है, सेम आप भी इस टाइप से इफेक्ट बना सकते हैं और बाकी आप 3D के जरिए भी बना सकते हैं, उस पर भी मैं अलग से एक क्लास लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा जल्द से जल्दी लाने की। और बाकी यहाँ पे जो है ब्लरिंगनेस आपने यूज़ किया है, तो अगर आप इफेक्ट कंट्रोल में जाते हो और यहाँ पे टाइप करोगे ZAU और गोशन ब्लर, अगर नीचे वाली आउटलाइन पे देखते हो और इसको यहाँ से बढ़ाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि बैकग्राउंड में आप ब्लर भी देख सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। या फिर एक और काम आप कर सकते हो सिंपली, ठीक है, जैसा हमारा ये वाला इफेक्ट हुआ, ये भी आप ब्लर ऐड कर सकते हो। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि इस लेयर को डिलीट करके इसमें ड्रॉप शैडो ऐड कर दो और यहाँ पे उसका जो डायरेक्शन होगी वो आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते बहुत टाइम लग जाता है। और एक और चीज़, अगर आपको इसका बैकग्राउंड में जो शैडो है इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इजीली कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, प्रीसेट बना के सेव कर दीजिए, देन जहाँ भी आप यूज़ करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आगे बढ़ते। और बाकी यहाँ पे क्या कहना इन्होंने कि ये वाला आपको PNG मिल जाएगा, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप PNG सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते इसके लंबे इतिहास। बाकी अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये धीरे धीरे रेड सा होने स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऊपर इन्होंने ओवरले यूज किया है और ये जो आपको वीकनेट देखने को मिलेगा, या तो आपको अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आपको ये क्लियर पता होगा कि वीकनेट क्या होता है, ठीक है, एक वीडियो है इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एक रियलिस्टिक फील हो, थोड़ा सा इंगेजिंग बनाने के लिए विगनेट यूज करते हैं, बट ये काफी जगह पे ही अच्छा लगता है, मतलब ये कुछ कुछ जगह पे ही अच्छा लगता है, अगर आप एक नॉर्मल इंटरव्यू है या कुछ है अगर वहां पे आप विगनेट यूज कर रहे हो तो बड़ा बेकार लगता है। ये ज्यादातर हॉरर सीन में या फिर कुछ ऐसे सीन में यूज किया जाता है कि जहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़े, डीप जाना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो रेड यहाँ पे इस साइड से रेड हो रहा है और इस साइड से ब्लू हो रहा है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा डार्क हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक ये पूरा वही दो हो चुका है। तो इस टाइप से आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक इमेज यूज करूंगा इसको, और मैं ये एक फ्री वेबसाइट है, यहाँ से आप इमेज फोटो कुछ भी उठा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। और मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ कि एक इमेज ले लेता हूँ, है ना, कैसे इमेज मार्केटिंग की ये वाले ले लेता हूँ, यार थोड़ा सा मजा भी तो होना चाहिए इमेज में, ना थोड़ी अच्छी भी होनी चाहिए इमेज, है काम ही थोड़ी चला रहा है। और इसको मैं ड्रैग करूंगा अपने यहाँ पे, और ये इमेज बहुत बड़ी है, यानी कि बहुत बड़ी मतलब 4K इमेज है, तो इसको मैं कुछ इस टाइप से और इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा यार, और मैंने शॉर्टली बताया, अगर आपको मैं वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वो एक्चुअल में कैसे प्रोसेस है उसका, वो चीज़ देखनी है तो आप पुरानी वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने क्लियर बता रखा है और इससे भी अच्छा तरीके से मैंने आप वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, यहाँ मैं जल्दबाजी में कर नहीं पाया था क्योंकि वो मैं पहले कवर कर चुका था। अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज हमने देखी थी कि ये रेड हुआ था और ये ब्लू हुआ, तो ये किस टाइप से आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको एक शेप क्रिएट करनी है, और वो शेप ज्यादा अच्छी रहेगी क्या पेन टूल से करो, यहाँ पे आप एक डॉट क्लिक करोगे, देन यहाँ पे सेलेक्ट और इसके बाहर आप सेलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ये एड, अब इसी का आप कंट्रोल डी कर दो, और नहीं सॉरी इससे पहले आप स्ट्रोक इसका ऑफ कर दो, है ना, ये वाइट लाइन आ रही थी, इसको कंट्रोल डी कर दो बस, और इसको आर पे जाके रोटेट कर दो और इसको पूरा आप घुमा दो 180 डिग्री। अब आप 180 डिग्री डाल दीजिए तो ये पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा, और जो सेप लेयर है इसकी पोजिशन में थोड़ी सी नीचे और कर देता हूँ जिससे कि ये परफेक्ट हो जाए। अब ये हमारा पूरा ऑफ हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे पूरा ब्लू हो चुका है, हमने दोनों चीजें बंद कर दिया, सेव ये वाली फर्स्ट वाली ऊपर वाली है, ये नीचे वाली है, तो मैं ऊपर वाली को रेड कर देता हूँ, बिल्कुल डार्क रेड हमारा दिखेगा ये, ठीक है, रेड है ब्लू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोड, अगर ये विजिबल नहीं हो रहा है तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको आप ऑन कर लीजिए, तो ये मोड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ से इन ब्लेंडिंग मोड को चेंज करूँ और एक एक करके देखूँ तो बहुत टाइम लगने वाला है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सीन के डिपेंड करता है कि सीन आपका कैसा है और वहां पे कौन सा आपको ब्लेंडिंग मोड यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला भी अच्छा लग रहा है मल्टीप्लाई, और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों ये कलर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, चेंज हो गए, बैकग्राउंड का हमें व्यू दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सेलेक्ट करूंगा और टी प्रेस करूंगा, ऑपेसिटी पे की लगाऊंगा और इसको करूंगा जीरो, स्टार्टिंग पे दोनों के जीरो हो गया। देन मैं चाहता हूँ ये 20 फ्रेम पे आए और ये बिल्कुल डार्क हो जाए, और ज्यादा डार्क नहीं, सिर्फ 70% हो जाए, ये भी 70% और ये भी 70%, ठीक है। दोनों को, चारों को पकड़ के F9 प्रेस करूंगा जिससे कि इजी इसका इफेक्ट लग जाएगा, और ये है ना राइट, ये भी कुछ इसी टाइप से हुआ था। और बीच में इन्होंने ये वाली लाइन दे दी है, इसको मेरे को नहीं पता आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बट कांटे, कांटेदार तार वायर ऐसे कुछ है ना, तो वो आप ऐड कर सकते हो, ये PNG ऐड कर सकते हो, बहुत सारी आपको मिल जाएगी सेम, और ये वाले इफेक्ट आप कर सकते हो। मैंने 70 इसलिए किया क्योंकि ये ज्यादा ही डार्क ना लगे, एक बार आप देख लीजिएगा आपको कितना डार्क चाहिए, अगर आप इसको 100 करते हो तो ये कुछ इतना डार्क हो जाएगा, और अगर आप इसको भी 100 करते हो तो ये भी कुछ इतना डार्क हो जाएगा। बाकी इस पे अगर आप विगनेट यूज करोगे साइड साइड से, और इस पे ओवरलेस यूज करोगे, है ना, जो ये ओवरले यहाँ पे प्ले हो रहा है, ऊपर से लाइन दिख रही है, ओल्ड टीवी इफेक्ट बोलते हैं इसे, कोई कुछ बोलते हैं, तो कर सकते हो यार, यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी है, बहुत सारी डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं के बीच आज एक बहुत, देखो फाइनल में क्या हुआ था कि वो दोनों आपस में इधर उधर हो गए थे ना, आपने देखा होगा, देखो इसके लंबे इतिहास के बारे में, वही दो कम्युनिटी के बीच ये यहाँ पे एक दरार सी आई है ना, ये दरार, और उसके बाद ये अलग हो गए, तो यहाँ पे आपको ये वीडियो ग्रीन स्क्रीन वाली चिपका देनी है यूट्यूब पे, वो भी आपको मिल जाएगी। और ये सेप है देखो, ठीक है, यहाँ से ये सेप है, इन दोनों को आप अलग कर सकते हो, लाइक बता देता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करोगे, पी प्रेस करोगे, अब इस पे भी पोजिशन पे की, इस पे भी पोजिशन पे की, अब कुछ फ्रेम आगे जाके ये नीचे वाला क्या हुआ, वो ये ऊपर को चले गया, सॉरी। इसके लिए ना एक चीज और हमें नोटिस करनी होगी कि इसका जो एंकर पॉइंट है, कंट्रोल के साथ इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे आ गया, और इसका एंकर पॉइंट पकड़ के हम ले जाते हैं यहाँ पे, है ना, और ये दोनों पे पहले पोजिशन से की रिमूव करनी पड़ेगी। और अब क्या करूंगा मैं, इसका जो, सॉरी यार क्या हो रहा है, ठीक है, इसका जो एंकर पॉइंट है कंट्रोल के साथ यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा, तो ये आ चुका है इसका, और इसका एंकर पॉइंट होना चाहिए मेरा यहाँ पे। अब मैं अगर इसके पोजिशन पे की लगाता हूँ और कुछ फ्रेम आगे जाके इसको पीछे करता हूँ, नहीं, अगर मैं इसको यहाँ से खींचता हूँ और इसको कुछ इस टाइप से मूव कर लूंगा, है ना, तो ये कुछ इस टाइप से पीछे आ जाएगा, है ना राइट। सेम आपको ऊपर वाला भी कर देना है ये पीछे के साइड, सेम यही आपको रेड वाले पे भी कर देना है, एंकर पॉइंट यहाँ पे लगाना है, देन पीछे मूव कर देना है, तो हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब ये चीज आपको कैसे करनी है कि इमेज के बीच में, यहाँ पे आपने देखा होगा, मैं दोबारा से प्ले करूँ, वही दो कम्युनिटीज जिनके बीच आज एक बहुत बुरी ये लड़ाई छिड़ रही है, और ये तीनों चीज, ठीक है, ये तीनों चीज कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ और वापस से ये इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी है जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसको मैं बराबर करता हूँ इतना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक सेप लेयर ऐड करूँ, सेप लेयर नहीं, इलिप्स टूल ऐड करूँ और इसको कुछ इस टाइप से बनाऊँ, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये वाली इमेज उठाता हूँ और इसको डाल देता हूँ इसके ऊपर, और इसको ट्रैक मैट कर देता हूँ मैं इस सेप लेयर से, क्या किया मैंने,
इमेज को सिंपल ट्रैक मैट कर दिया इस वाले लेयर से, है ना। और अगर मैं अब इस शेप लेयर को एस प्रेस करूं, स्केल पे जाऊं, इसको जीरो करूं, इससे पहले मैं क्या करूंगा, इसका जो एंकर पॉइंट है कंट्रोल के साथ यहाँ पे अगर डबल प्रेस करूंगा तो इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। अब इसका अगर स्केल पे जाऊंगा और जीरो प्रेस करूंगा और यहाँ पे इसकी जीरो कर दूंगा स्केल, और कुछ फ्रेम आगे आके इसको कर दूंगा मैं 100। अब क्या हुआ, सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिली, बिल्कुल मिली, ठीक है। तो इस टाइप से आप वो वाला इफेक्ट यूज कर सकते हो, और दोनों को सेलेक्ट करके आप 9 प्रेस करूंगा देखो ये। बाकी डिपेंड करता है आप पे, आप कितने टाइम में वो चीज करना चाहते हो, इमेज जो भी आप यूज करना चाहते हो बैकग्राउंड में आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों जगह पे यही हुआ है, सर्कल ऐड किया था देन इमेज अलग अलग ऐड है, ठीक है। अब ये वज जो यहाँ पे वीएस देखने को मिलेगा, फायर एनिमेशन, ये आप कैसे कर सकते हो, देखो मैं आपको बता दूं इन दोनों को, आई होप आपको ये वाली चीज तो क्लियर हुई होगी, बहुत इजी था, है ना। फायर के लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और मैं लिखूंगा यहाँ पे वापस से चैनल का नाम, और क्योंकि और चीजें मेरे समझ में भी आती नहीं है क्या लिखूं, पहाड़ी एडिटर ये लिख दिया। इसके ऊपर मैं एक न्यू पे जाऊंगा और एक सॉलिड ऐड करूंगा, कोई भी कलर का आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, रीनेम करना है नहीं करना। इसके बाद इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे और यहाँ पे आपको एक चीज सर्च करना है और उसका नाम है सेवर इफेक्ट। सेवर इफेक्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वापस से आप यू क्रोम पे जाओगे और यहाँ पे डालोगे सेवर आफ्टर इफेक्ट डाउनलोड, ठीक है। सिंपल आपको ये वीडियो को पायलट की वेबसाइट पे आ जाना है, और पहली वेबसाइट आपको यही देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर विंडो कर देना है, और उसके बाद इजीली उसको इंस्टॉल कर देना है, कोई लंबी प्रोसेस नहीं है। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने सेवर इफेक्ट ड्रैग करना है किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, इफेक्ट टेक्स्ट के ऊपर नहीं करना, सॉलिड के ऊपर ड्रैग करना है। और यहाँ पे ये इफेक्ट आपका ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप ग्लो इंटेंसिटी देखोगे और इस पे ऑन करोगे आप ग्लो इंटेंसिटी, इन सब चीजों को हम बाद में देखने वाले हैं। अभी आप कस्टमाइज स्कोर पे आओगे और कस्टमाइज स्कोर पे आने के बाद यहाँ पे सेवर लिखा है, इसको टेक्स्ट लेयर कर दोगे। अब जैसे ही मैंने टेक्स्ट लेयर किया, यहाँ पे टेक्स्ट लेयर आ गई, टेक्स्ट लेयर के अंदर यहाँ पे आपको पहाड़ी एडिटर जो आपका टेक्स्ट होगा इसको ऐड कर देना है। अब जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, कुछ इस टाइप से आ गया ये, है ना, अजीब सा ये। अब आप यहाँ पे अगर आप प्रीसेट पे जाओगे और यहाँ सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत लंबी लाइन देखने को मिलेगी, समथिंग ये होंगे 50 तक है। तो आप यहां से अगर मैं फायर वाले पे जाऊं तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब अगर मैं इसकी ग्लो इंटेंसिटी कम कर दूं तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को चेंज करूं और इसको वज लिखूं, और अगर इसको मैं सेंटर पे ले आऊं, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखो आप यार, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे प्रीसेट है यार, बहुत सारे, आपका मन भर जाएगा, और तरह तरह के इफेक्ट आप इससे बना सकते हो, देख रहे हो ये इनफेर्मो या नैरो, पता नहीं क्या क्या है, और बहुत तगड़े तगड़े है। इनको आप यूज करके एक अलग अलग से एनिमेशन बना सकते हो, है ना। और सारी एनिमेशन इसमें एनिमेटेड है, ऐसा नहीं है कि स्टिल है, ये सारी एनिमेटेड है, और इनको आप की फ्रेम देके और अच्छा बना सकते हो। तो अगर मैं इसको फायर या फायर कर देता हूँ और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, तो यही वाला जो आपको यहाँ पे वर्स देखने को मिला था, तो यहीं से वो यूज किया गया, ऐसी वो बनाया गया है, ठीक है। तो आप भी बना सकते हो, और यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कोशिश करता हूँ मैं जल्दी से कवर करने का, सिर्फ 9 सेकंड आज भी कवर कर पाए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना यार कि वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।